हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल के एक नई और वीडियो में। आज का जो मैच है वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, कुछ कंडीशन कुछ ऐसी। हालांकि ये सीजन का आखिरी मैच है, फेल के लिए गए हैं। आज गोल की बारी हमारी है, फैब ड्यू प्लेसी, हार्दिक पांड्या, और आज हम खेलने वाले गुजरात टाइटन के एंड। टॉस जीता हमने, बैटिंग करनी होगी। चलिए बैटिंग में ट्राई करेंगे, एक बड़ा और अच्छा टारगेट दे पाए वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल। ओपनिंग करेंगे गुजरात टाइटंस के एंड, रॉयल चैलेंजर के एंड से आएंगे मोहम्मद सिराज। चलिए पहले स्कीप करते हैं 15 ओवर का सेशन। अक्षदीप आए हैं आफ्टर 15 ओवर गुजरात टाइटन 126 लॉट्स ऑफ 3 विकेट। कैन विलियमसन, डेविड मिलर खेले, ठाके लगाए शॉट, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, 6 रन के लिए ये बार कैन विलियमसन के नाम से। तो ये रहेंगे क्रीज पे तो कोई दुविधा नहीं है। वैसे सेकेंड शॉट, टाइमिंग बहुत सही है 6 रन के लिए। स्वीप थोड़ा यहाँ पे दुविधा में होंगे, दो गेंदों में दो लंबे हीट लगे। वैसे ये शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, बैक टू पेवेलियन जाना होगा। 43 बॉल 64 रन, कैन विलियमसन बैक टू पेवेलियन। राहुल देवटिया को आना होगा पूरा। शॉट खेला है लेग साइड की ओर पे, पीछे है फील्डर, एक ही रन मिलेगा। डेविड मिलर ऑन स्ट्राइक, देखना होगा स्किलर मिलर क्या कर पाता है। शॉट खेला है, हालांकि पीछे है फील्डर, सिंगल के साथ ही स्ट्राइक रोटेट है। आखिरी गेंद ये ओवर की, सामने है राहुल टेवटिया। शॉट खेला है, टाइमिंग नहीं उतना बढ़िया, नीचे है फील्डर, बैक टू पेवेलियन जाना होगा। 2 बॉल 1 रन, राहुल टेवटिया बैक टू पेवेलियन। राशिद खान और डेविड मिलर को कुछ कमाल करना होगा यहाँ। क्लैन मैक्सवेल आए, वैसे सामने रहेंगे राशिद खान। अच्छा शॉट खेला और गेंद गई सीधा गेंदबाज के हाथ। राशिद खान ऑन स्ट्राइक, ये बार अच्छा शॉट खेला है गैप के एंड पे, पीछे है फील्डर, सिंगल से संतुष्ट होना है। किलर मिलर ऑन स्ट्राइक, शॉट खेला है, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं दिख रही, जी हाँ, और बैक टू पेवेलियन जाना होगा। 30 बॉल 43 रन, डेविड मिलर बैक टू पेवेलियन। मोहम्मद शामी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। राशिद खान ऑन स्ट्राइक, शॉट खेलना चाहते थे गैप की और, पीछे थे फील्डर, बच गए। वैसे अच्छा शॉट खेला है, 2 की मांग की है, वैसे आराम से पूरा कर लेंगे। राशिद खान ऑन स्ट्राइक, आखिरी गेंद ग्लेन मैक्सवेल के स्पेल की, था के खेला है शॉट, टाइमिंग बढ़िया और 6 रन के लिए। वैसे
जी पाए है सामने मोहम्मद शामी, शॉट खेला लेग साइड के एंड पे, पीछे है फील्डर सिंगर के साथ, संतुष्ट होना होगा बस। 18 गेंद बाकी है, 18 रन तो आने ही चाहिए मुझे। फिर ये माइंड स्ट्रेटजी से खेलोगे तो एक लंबा स्कोर देखने को मिल सकता है। वैसे जो गेंद अगर डोर जा रही है उस पर डबल लेने का ट्राई करो। जी नहीं, ये वाली गेंद पे नहीं। अच्छा शॉट खेला, पीछे है फील्डर, एक ही रन मिलेगा। राशिद खान ऑन स्ट्राइक, स्ट्रेट पे लगाया शॉट गैप की और पे गेंद गई है 4 रन के लिए। बस शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए इतनी बढ़िया, और बैक टू पवेलियन जाना होगा। वैसे 8 बॉल 14 रन, बैक टू पवेलियन राशिद खान। शिवम मावी वो आना होगा फिलहाल, मोहम्मद शामी रहेंगे स्ट्राइक पे। हा के खेला है शॉट गैप की ओर पे, गेंद जा रही है बाउंड्री के लिए। चॉस हेजलवुड आए अपना आखिरी स्पेल लेके आरसीबी के एंड से। शिवम मावी ऑन स्ट्राइक, शॉट खेला ये बार ऑफ साइड की ओर पे, 6 रन के लिए शिवम मावी के बल्ले से। शॉट खेलना चाहते थे, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए कोई भी रन नहीं। आखिरी की 10 गेंदे देखना होगा गुजरात टाइटन के बल्लेबाज क्या कमाल कर पाते हैं। शॉट खेला है गैप की एंड पे, पावरफुल शॉट गेंद गई 4 रन के लिए। नौ गेंदे बाकी है वैसे। शॉट खेला गैप में 4 रन के लिए। सिक्स डॉट फिर डबल 4। अच्छा शॉट तो खेला है, रिस्क एंड पे खुद ही रहेंगे लेकिन आसानी से ये बार रन चुरा। शिवम मावी मोहम्मद शामी ऑन स्ट्राइक, और ये ओवर की भी आखिरी है, देखना होगा क्या कमाल कर पाते मोहम्मद शामी। शॉट लगाया है मोहम्मद शामी ने ऑफ साइड के एंड पे, गेंद जाई 4 रन के लिए। बस मोहम्मद सिराज आखिरी स्पेल लेके आते हुए आरसीबी के एंड से सामने रहेंगे शिवमान। शॉट खेला है दोनों फील्डर के बीच में गैप के लिए, और 4 रन मिलेंगे इन्हें बस। एक समय के लिए ऐसा लग रहा था स्कोरबोर्ड थम चुका, लेकिन शिवम मावी के आने के बाद स्कोरबोर्ड थमा नहीं है भैया, बढ़ता ही जा रहा है। ये और लगाया है शॉट, शॉट में पावर भी बहुत बढ़िया, और ये बात 6 रन के लिए। हाला एक समय के बाद विकेट पे विकेट गिरती जा रही थी, सोचा नहीं था इतना बढ़िया स्कोर भी यहाँ पे देखा। और ये वाइड के साथ वेलकम रन आता हुआ गुजरात टाइटन के। 4 गेंदे बाकी, देखना होगा क्या 200 के पार कर पाएंगे स्कोरबोर्ड। हाँ के लगाए शॉट बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ, 6 रन शिवम मावी के बल्ले से। तीन गेंदे और बाकी है,
शॉट खेला, टाइमिंग नहीं उतना बढ़िया, लेकिन एक रन चुराने में काफी। नो बॉल, क्या बात है, बड़ा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं आज आरसीबी के बल्लेबाज गेंदबाज। उठा के लगाए शॉट, गेंद को पहले ही पढ़ लिया था, गेंद गई है 6 रन के लिए। ना खुश होंगे वैसे आज फैब ड्यूप्लेसी। आखिरी के जो 2-3 ओवर देखने को मिले आरसीबी के एंड से, ये भी शॉट खेला है मोहम्मद शमी, ये वाह क्या बात है। आखिरी गेंद इवनिंग की, देखना होगा क्या कमाल कर पाते। शॉट खेला, टाइमिंग नहीं उतना बढ़िया, और अपनी विकेट कमाई यहाँ पे मोहम्मद शमी ने, सफलता मिली आखिरी गेंद पे मोहम्मद शिराज को। 7 बॉल 22 रन बैक टू पवेलियन मोहम्मद शमी। इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट इवनिंग भी समाप्त होती हुई। गुजरात टाइटन आफ्टर 20 ओवर 210 रन लॉट्स ऑफ 8 विकेट। हालांकि शुरुआती बल्लेबाज ने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आखिरी की 3 ओवर में मजे आ गए आरसीबी के एंड से। फैब ड्यूप्लेसी, विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, मोहम्मद शमी आए गुजरात टाइटन के एंड। चलिए स्कीप करते 15 ओवर का सेशन। पांच ओवर और, अभिषाय किशोर आए गुजरात टाइटन के आफ्टर 15 ओवर। आरसीबी 121 लॉट्स ऑफ 2 विकेट। फैब ड्यूप्लेसी अच्छी पारी खेल रहे, महिपाल लॉमरोर भी अपनी अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे। अभिषाय किशोर शॉट खेला है, फील्डर नहीं, 4 रन मिलेंगे। शॉट तो खेला है, गेंद गई है हवा में, और ये बार कोई गलती नहीं, हार्दिक पंड्या थे वहां पे। 21 बॉल 29 रन, महिपाल बैक टू पवेलियन, हार्दिक पंड्या बढ़िया कैच के पास। फिलहाल मैक्सवेल आए, फिलहाल ड्यू प्लेस ही रहेंगे स्ट्राइक पे। एज लकी गेंद जा रही फील्डर के वहां, कोई रन नहीं। ठाके लगा शॉट, क्या फील्डर इन्हें रोक पाएंगे, जी नहीं, गेंद गई है 4 रन के लिए। ठाके लगा शॉट, ये बार शॉट में पावर बहुत ही सही है फैब ड्यूप्लेसी के बल्ले से, 4 रन मिलेंगे। हार्दिक पंड्या कुछ समझाने आया वैसे रवि शाह किशोर। नेक्स्ट साइड के एंड पे शॉट लगाया है, यहाँ भी फील्डर नहीं, 4 रन मिल जाएंगे। फैब्रिक राशिद खान आए फिलहाल, सामने रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। था के लगाए शॉट, पीछे है फील्डर, 2 की मांग की थी फिर नकारा आखिरी में। लेग साइड पे लगा है शॉट, पीछे की साइड पे 2 की मांग की है, थ्रो भी बहुत बढ़िया, और डायरेक्ट थ्रो के साथ बैक टू पवेलियन, फैब ड्यूप्लेसी को जाना होगा। क्या थ्रो है वहां पे गुजरात टाइटन के फील्डर के द्वारा, वो भी डायरेक्ट टू द स्टंप। 55 बॉल 79 रन, फैब ड्यूप्लेसी बैक टू पवेलियन। मोहम्मद शमी का बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पर, फिनिश कार्तिक को आना होगा फिलहाल। शॉट के रहा फील्डर के ऊपर से, आते ही 4 रन के साथ अपना खाता खोलेंगे ये। ना खुश हो रहे वैसे, शॉट खेला है स्ट्रेट के लिए, फील्डर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे।
फील्डिंग में हालांकि थोड़ा बदलाव करना होगा हमें। चलिए राशिद खान तू दिनेश कार्तिक बीट हुआ ये बार और कोई भी रन नहीं। आखिरी गेंद इनकी ये ओवर की। एज लगी भाग्यशाली रहे गेंद जा रही पीछे फील्डर है वहां और एक ही रन मिलेगा। रवि शाय किशोर आए फिलहाल सामने है दिनेश कार्तिक शॉट खेला है पीछे हालांकि फील्डर एक ही रन मिलेगा। बढ़िया गेंद शॉट तो खेला है गेंद आ रही 6 रन के लिए। बड़ा शॉट में पावर भी इतनी बड़ी ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से। शॉट खेलना चाहते थे एग्जीक्यूशन भी उतना बढ़िया 6 रन मिलेंगे बैक टू बैक 2 सिक्सेस। बढ़िया गेंद ये बार बीट किया पूरी तरीके से कोई रन नहीं बस। ये गेंद काफी देर तक हवा में रह चुकी लेकिन फील्डर थोड़ा सा पीछे तो रन चुराने में कामयाब। 5 बॉल 15 रन ग्लेन मैक्सवेल। आखिरी गेंद ये स्पेल की शॉट खेला है फील्डर रह जाएंगे दूर 4 रन के लिए। ये बार राशिद खान अपनी आखिरी स्पेल लेके आते हुए बढ़िया गेंद इतना ही बढ़िया प्लेसमेंट एक ही रन मिलेगा इन्हें बस। ग्लेन मैक्सवेल ऑन स्ट्राइक शॉट खेला है सामने की ओर पे फील्डर है पीछे सिंगल के साथ संतुष्ट होना हो गई। कार्तिक ये बार स्ट्राइक पे शॉट तो खेला है फील्डर भी रह जाएंगे दूर 4 रन के लिए। उठा के लगाए शॉट पीछे है फील्डर एक ही रन मिलेगा यहाँ। बढ़िया गेंद उतना ही बढ़िया प्लेसमेंट ग्लेन मैक्सवेल 4 रन के लिए। छिपारी खेलते हुए दिखाई दिए आज ये बढ़िया गेंद बीट हुए और कोई रन नहीं। हमें शामी से अपना आखिरी स्पेल करवाना होगा 6 बॉल 33 रन नीडेड आरसीबी। बढ़िया गेंद उतना ही बढ़िया प्लेसमेंट हालांकि एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक पे रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ऑन स्ट्राइक पटकी हुई गेंद गेंद को दिशा बताए और भेजा है 4 रन के लिए। शॉट खेला है पीछे है फील्डर एक ही रन मिलेगा इन्हें। कार्तिक ऑन स्ट्राइक शॉट तो खेला है फील्डर है वहां एक ही रन से संतुष्ट हूं। ग्लेन मैक्सवेल ऑन स्ट्राइक देखना होगी गेंद पे क्या कमाल करते हैं। बढ़िया गेंद बीट हुआ ये बार। आखिरी गेंद ये इवनिंग की
लाइन और लेंथ से भटके, वैसे नो बॉल का करार दिया गया वैसे। प्री हीट है वैसे, खा के लगाया स्ट्राइक पे शॉट, हालांकि नीचे है फील्डर, मिस फील्ड भी हुई, फ्री हिट थी। अरे भैया तुम तो जाने दो गेंद को आगे। चलिए फ्री हिट के साथ यहाँ पर मैच की भी समाप्ति। गुजरात टाइटंस वन बाय 21 रन और बोर्ड पे जरा नजर डाली जाए। गुजरात टाइटन के आंसर आए केन विलियमसन 43 बॉल 64 रन, डेविड मिलर 30 बॉल 43 रन, शिवम मावी ने आज अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई दिए 9 बॉल 32 रन और नॉट आउट। आशदीप बॉलिंग के एंड से 3 विकेट 43 रन, मोहम्मद सिराज 2 विकेट 45। बॉलिंग की अगर बात करी जाए, अरे बैटिंग की अगर आप बात करी जाए, आरसीबी के एंड फैफ ड्यूप्लेसी अपनी अच्छी पारी खेलते रहे थे, 55 बॉल 79 रन, ग्लैन मैक्सवेल 14 बॉल 32 रन। वहीं अगर बॉलिंग की बात करते शिवम मावी 1 विकेट 34 रन, रवि शाय किशोर 1 विकेट 43। प्लेयर ऑफ द मैच है आकाशदीप। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।